नारी सशक्तिकरण कमल शक्ति संवाद अभियान कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध वर्ग महिला सम्मेलन का आयोजन योगी गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री विजय रहटकर व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, सदस्य निर्मला द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी और विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और पगड़ी पहनाकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि विजया रहाटकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए अनेकों कार्य किए। आत्मनिर्भरता की ओर आज देश आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हर तरफ कार्य हो रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री विजया रहाटकर ने कहा, कमल शक्ति समूह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अतिथि महोदय से नम्र निवेदन करती हूँ। माननीय अतिथिगण महोदय, ना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है हमें प्राणी से परमात्मा की ओर। आप लोग ये अच्छी लग रही आज का पूरा मंच और हाल नारी शक्ति से भरा। यूपी का अभी चुनाव शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उत्साह है महिलाओं के मन में, यहाँ के जनता के मन में, उसको देखते हुए फिर से हमारी संपूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो गया है। उसका कारण भी है
केंद्र की हमारी ये पहली सरकार है जिस सरकार की सभी नीतियाँ महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए बनाई गई है। इसलिए आज हम देखते हैं कि अनेक अनेक योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसी के साथ साथ उज्ज्वला है। इस पैंडेमिक में हमने करीबन 25 करोड़ बहनें जिनके अकाउंट जनधन अकाउंट है उनको हमने मदद करी है, 500-500 रुपये हमने दिया है। ऐसे अनेक अनेक योजनाओं का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है और उसी के साथ साथ चलते हुए योगी जी ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक अनेक प्रयास किए हैं। जब आपकी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए काम करती है तो स्वाभाविक रूप में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को बहुत चाहती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव जरूर जरूर जीत कर आएंगे। अच्छा। अब देखिए कि सभी वर्गों को हमें कवर करना होता है और हमेशा हमेशा के लिए प्रबुद्ध वर्गों ने, महिलाओं ने बीजेपी का हमेशा साथ दिया हुआ है। आज हमारी यहाँ पे डॉक्टर है, एडवोकेट है, टीचर्स है, हमारी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कुछ उद्यमी बहनें, ऐसी सभी बहनें आज यहाँ पे आएगी। मुझे लगता है कि जब अलग अलग क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम किया है तो स्वाभाविक रूप में उन बहनों के साथ संवाद करना ये हमारा काम भी बनता है और ये बहनें भी हमें बहुत चाहती है कि हम उनके साथ बात करें और विकास की चर्चा भी उनके साथ करें। आज उन्हीं विकास कामों की चर्चा हम उनके साथ करेंगे और ये बहनें फिर से हमें समाज के सभी वर्गों में जाके बीजेपी को जितवाने के लिए पूरा पूरा प्रयास भी करेगी। देखिए, जो महिलाएँ सक्षमीकरण चाहती है वो सभी महिलाएं बीजेपी के साथ अभी जुड़ जाएगी, जुड़ भी रही है। उसका कारण भी ये है कि महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए इसके पहले कोई सरकार नहीं थी, अब ये सरकार यहाँ पे आ गई है तो स्वाभाविक रूप में महिला नेताओं का भी और उसी के साथ साथ महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा भरोसा ये बीजेपी के ऊपर है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर है और योगी जी के ऊपर है। तो ऐसी बहनें हमारे साथ जुड़ जाएगी और मुझे लगता है कि जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबको लेकर हम काम करेंगे। कानून अपना काम करता रहेगा, कानून के साथ हम हमेशा के लिए हम चलेंगे, कानून का सम्मान भी करेंगे। पर जब कोई महिला जुड़ रही है, कुछ अच्छे कामों के लिए जुड़ रही है तो काम कर रही है वो। प्रियंका जी कहती है 40% हम महिलाओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में काफी महिलाएं जुड़ रही हैं और कांग्रेस को पीछे छोड़ रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बयान जो उनका है? देखिए, सिर्फ आपने आज आकर यहाँ पे घोषणा करी कि हम 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, सिर्फ अब टिकट कितनी मिलेगी ये बात अभी और अलग है, पर सिर्फ महिलाओं को टिकट देके महिलाओं का सक्षमीकरण नहीं होता है। देश की हमारी जो आधी आबादी है उनके लिए, उनको समाज में बराबरी का स्थान मिलने के लिए अनेक अनेक सामाजिक उत्थानों की योजना बनानी पड़ती है। जब प्रियंका जी के पार्टी की सरकार थी, इतने सालों की सरकार थी, तब उनके पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया ये उन्होंने इस चुनाव में बोलना चाहिए। अब टिकट की जो बात है उसके लिए अभी समय है, अभी पता नहीं वो कितना टिकट देगी, पर सिर्फ टिकट देने से काम नहीं चलता है, महिला सक्षमीकरण की योजनाओं को बनाना पड़ता है, यशस्वीता के साथ उसको चलाना पड़ता है और सही मायने में बराबर के साथ महिलाओं को दर्जा देना चाहता करना होता है, जो कि योगी जी ने किया है, जो कि मोदी जी ने किया है। तो उनके इस घोषणा का कोई परिणाम यहाँ की महिलाओं के साथ नहीं होने वाला है। नीति सिंह भाजपा में शामिल हुई है। जी जी बिल्कुल।